करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो कोटा से बड़ी खबर आ रही है, हत्या के आरोपी गौरव जैन का मोबाइल मिल गया है। निगम की रेस्क्यू टीम ने किशोर सागर से आरोपी गौरव जैन का मोबाइल ढूंढ निकाला है। आरोपी गौरव जैन ने घटना को अंजाम देने के बाद तालाब में मोबाइल फेंका था और मोबाइल से हत्या के राज खुलेंगे, ये अनुमान जताया जा रहा है। 6 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी गौरव जैन है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको जी राजस्थान ने दिखाई थी कि किस तरीके से जो निगम की टीम है वो गोताखोरों की सहायता से मोबाइल को ढूंढने के लिए पहुंची है। गौरव जैन को मौके पर लेकर पहुंची थी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई थी। और अब एक बड़ी सफलता निगम की टीम को मिली है, मोबाइल गौरव जैन का मिल गया है। और अब माना यह जा रहा है कि इस मोबाइल से जो मौत के कई तथ्य खुल सकते हैं। परिधि जैन की हत्या का मुख्य आरोपी है गौरव जैन, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। 6 दिन की रिमांड पर इसे रखा गया है और लगातार जो पुलिस है मामले में कार्रवाई कर रही है। आज मोबाइल ढूंढने निकली थी पुलिस, कहा यह जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद गौरव जैन ने अपना मोबाइल किशोर सागर तालाब में फेंक दिया था, जिसके बाद जो निगम की टीम थी वो पहुंची थी और गोताखोरों की सहायता से मोबाइल को फिलहाल ढूंढ निकाला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और हिमांशु लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। हिमांशु, बड़ी सफलता मिली है और चंद समय में जो मोबाइल है उसे ढूंढ निकाला है निगम की टीम ने, बड़ी सफलता भी कह सकते हैं इसे। कोटा पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता है क्योंकि कोटा की बेटी का हत्यारा आरोपी गौरव जैन और उसका मोबाइल लग गया है कोटा पुलिस के हाथ। फिलहाल ये तस्वीरें कोटा के किशोर सागर तालाब से, जहां पर निगम की रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कोटा पुलिस के तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे और फिलहाल जैसे ही मोबाइल मिला है खुद कोटा के सिटी SP केसर सिंह शेखावत यहाँ पर मौके पर मौजूद है। देख सकते हैं आप, निगम की रेस्क्यू टीम के जो इंचार्ज गौरव जो विष्णु सरंगी और उन तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत करते हुए, निश्चित तौर पर साहब कोटा पुलिस के लिए बड़ी सफलता उस दिन थी जब आरोपी गौरव जैन गिरफ्तार हुआ और अब उसका मोबाइल जो आपके लिए सबसे बड़ा सबूत के तौर पर सामने आया हो सकता है। पुलिस के लिए मुलजिम को पकड़ने के बाद कड़ी से कड़ी जोड़ करके इसको अपराध से लिंक करना था, एक अहम चुनौतीपूर्ण दायित्व था और उसमें मोबाइल का बरामद होना एक अहम साक्ष्य है। संभावना नहीं थी कि इतने गहरे समुद्र तालाब में और जिसमें कीचड़ भरा हुआ है नीचे मोबाइल मिल जाए, लेकिन ये पुलिस का अथक प्रयास है, जो टीम है गोताखोरों की उनकी मेहनत का परिणाम है कि उन्होंने वो कर दिखाया जो नितांत असंभव सा लग रहा था। सर, असंभव था संभव हो गया, मोबाइल मिल गया। पूछताछ में इसमें क्या बताया और आपको क्या लगता है कि इस मोबाइल से क्या क्या चीज़ें और जो है वो सामने आ सकती है? एक तो मोबाइल से कोई व्यक्ति अपराध करने के बाद वो सारी चीज़ें नष्ट करने की कोशिश करे जिनके आधार पर पुलिस उस तक पहुंच सकती है, इसलिए एक अहम साक्ष्य था कि ये मोबाइल इसके पास होता तो शायद पुलिस को इतना समय नहीं लगता कि पुलिस को अंधेरे में खाक छाननी पड़ी। कोई सुराग नहीं था, इसने किसी से संपर्क नहीं किया, ऐसे में एक व्यक्ति जो पूरे देश में इधर से उधर भटकता रहे, पुलिस पर चारों ओर से उसकी गिरफ्तारी का दबाव हो, कैंडल मार्च हो, धरने प्रदर्शन हो, कोटा बंद का आह्वान हो, ऐसे में ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी जो कोई सुराग नहीं छोड़ रहा है उस तक पहुंचना एक दुष्कर कार्य था। पुलिस ने अथक प्रयास करके इसको गिरफ्तार किया और उसके बाद इसके द्वारा यूज किया जा रहा मोबाइल बरामद करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण दायित्व था कि उसने एक तालाब में डाल दिया, तालाब को शिनाख्त हुआ कि कौन सा तालाब है, इसकी निशादेही से वो जगह जहां इसने फेंका उसका पता लगाया गया, उसके बाद इस गहरे पानी में कीचड़ भरे उसका जो तल है उसमें से मोबाइल बरामद करना एक बेहद दुरू कार्य था। लेकिन मैं पूरी गोताखोर टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको शाबाशी देता हूं और हमारा प्रयास रहेगा कि उसको सक्षम स्तर से हम पुरस्कृत कराएं जिनके सहयोग से पुलिस इस मोबाइल को बरामद करे। सर, एक सवाल और, अभी फिलहाल जो रिमांड पर है या कि उस और कई जो चीज़ें हैं सामने आ रही हैं, सिक्किम ये जाने वाला था, कोटा बस स्टैंड पर ये लड़की के बेश में घूमता रहा, ऐसी चीज़ें भी फिलहाल सामने आई हैं कोटा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में? यहाँ से ये निकला है तो ये पूरा अपनी फुल प्रूफ छिपाव का तौर तरीका अपनाते हुए निकला है ताकि इसको कोई पहचान नहीं पाए। इसने अपनी स्कूटी को ठिकाने लगा के पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की कि इसका मूवमेंट केशोराय पाटन की तरफ रहा होगा।
ये वहाँ उसने लड़की के कपड़े चेंज किए, उसके बाद एक लिफ्ट लेकर के ये नयापुरा बस स्टैंड आया, वहाँ से एक ट्रेवल्स की बस में सीधा हरिद्वार गया, और हरिद्वार के बाद गोरखपुर, पटना, बोध गया, न जाने कहाँ कहाँ पे ये घूमता 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 घूमता, अंततः जब इसके पैसे ख़त्म होने लगे तो ये गुरुग्राम आया अपनी बहन से संपर्क करने और आर्थिक सहायता प्राप्त करने। इसके बाद इसका प्लान था कि वो कहीं ऐसी जगह चला जाए जहाँ इसका कोटा से कोई संपर्क नहीं हो और पुलिस को भले ही पूरी जहान में ढूंढती रहे वो मिले नहीं। एक अंतिम सवाल सर, ये कुल मिलाकर के अब तक जिस तरह से चीज़ें निकल करके आ रही हैं और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, उसके बाद स्पष्ट तौर पर लग रहा है कि ये बहुत शातिर था और पूरे प्री प्लान के साथ में, बहुत शार्पनेस के साथ में इस पूरी घटना को अंजाम दिया इसने। एक 26 वर्षीय युवक और वो बीटेक किया हुआ हो, एमटेक की पढ़ाई कर रहा हो, जिसके बारे में ये तथ्य जानकारी में आया कि वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है, कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की शातिर मानसिकता का हो सकता है। एक जो हैबिचुअल ऑफेंडर है वो भी शायद इतने एहतियात काम में नहीं लेता पुलिस के बचाव के जो इसने लिए। इसने कहीं कोई मोबाइल का उपयोग नहीं किया, कहीं अपने निकट जानकार से संपर्क करने की कोशिश नहीं की, कहीं भी ये ठहरा नहीं, और इन सब के बावजूद एक अहम तथ्य जो पुलिस के दिलो दिमाग में था उसको पुलिस ने पूरा फोकस किया उस पर, और उसी के कारण ये धरा गया। सर ये तो ये मान करके चल रहा था कि मैं सेफली जितने प्रिकॉशन बरत रहा हूँ, कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, तो मैं पकड़ में नहीं आऊँगा और अपनी ज़िंदगी कहीं दूर गुजर बसर कर लूँगा, लेकिन आखिरकार पकड़ा गया। अपराधी का अपराध उसकी जेल की सलाखों के पीछे तो पहुँचाता ही है। बड़े बड़े शातिर अपराधी यही सोच करके अपराध करके निकले, लेकिन अंततः वो भी धरे गए। तो ये भले ही इसने कितने ही प्रिकॉशंस काम में लिए हों, लेकिन उसका परिणाम आप लोगों के सामने है, ये भी धरा गया और इसको जो अपराध किया है उसी कड़ी से। हिमांशु एक और सवाल पूछेगा कि अब आरोपी गिरफ्त में है, मोबाइल मिल चुका है, अब आगे पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश अब की जाएगी इसके बाद? बिल्कुल, मैं आयुषी आपके सवाल को सर से पूछता हूं। सर स्टूडियो से सवाल है कि जिस तरह से एक्यूज गिरफ्तार हो चुका है, धीरे धीरे जो तमाम तथ्य हैं वो हाथ लग रहे हैं, मोबाइल हाथ लग रहा है, अब कोटा पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह से इसकी जो फाइल है उसे मजबूत किया जाएगा ताकि सख्त से सख्त सजा इसे मिले? ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन है उस फाइल को सख्त करने का ही एक कदम है, क्योंकि फाइल अपने आप में कुछ नहीं होती, फाइल एक कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, और ये मोबाइल का बरामद होना भी एक एविडेंस के कलेक्शन का हिस्सा है। तो ये जितने इस अपराध के घटनाक्रम से जुड़े हुए साक्ष्य हैं वो संकलित होने के बाद हम इसकी चार्जशीट फाइल करेंगे कोर्ट में, और उसके बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू होगी। इस केस को हमने केस ऑफिसर स्कीम में लिया है, हमारा प्रयास रहेगा कि स्पीडी ट्रायल हो और इसको जल्दी से जल्दी सजा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी राजस्थान से बात करने के लिए। तो कोटा सिटी एचपी केसर सिंह शेखावत, तमाम जो तथ्य हैं वो तेजी के साथ में जुटाए जा रहे हैं और जुटाने के साथ में अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी। बिल्कुल हिमांशु, और कहीं ना कहीं पुलिस भी अब ये कोशिश कर रही है कि जो परिधि जैन का ये हत्यारा है से कड़ी सजा मिले, कोशिश लगातार जारी है। और चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और अपडेट देने के लिए। और चलिए